بسم الله الرحمن الرحيم। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ये जो ना क्या अच्छा ठीक ठाक है। काफ़ी लंबी चौड़ी छुट्टी के बाद जो है ना आज फिर टाइम निकला थोड़ा सा आप दोस्तों के लिए। एक दोस्त का क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब क्या हम मादी के साथ नर को लगा सकते हैं जब हम उसको तैयार कर रहे हैं, तैयारी पे लगा हुआ है, ठीक है, फिट में जाने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, कि उसको आप मादी के साथ छोड़ सकते हैं। तो इस हवाले से उसने कहा कि जी मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि हाँ जी एक मादी के साथ उसको छोड़ने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह मैं जानवर को तैयार कर रहा हूँ, क्या यह तरीका का ठीक है? तो आप सब दोस्तों के लिए ये जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, कि मैं बहुत सारे दोस्तों को इस बात का इलम नहीं है कि मादियों साथ छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल किया दोस्त ने। तो आप सब दोस्तों के नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, कोई भी इंसान जो है चाहे पहलवानी कर रहा है, पहलवान बन रहा है, या कोई अच्छी सेहत चाहता है, तो या आप किसी मुर्गे को तैयारी पर लगाया हुआ है, तो पहलवान जो है वही है या पेड़ के अंदर वही परिंदा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा जो मादी से दूर है। जैसे पंजाबी में मसाला बनी हुई है ना कि पहलवान वही जो रण तो दूर है। तो जरा बेगम के करीब जा रहा है या जनानी के करीब जा रहा है तो आखिर मैं पहलवानी करा तो उनके फिर वास्ते रोता नहीं ना है। इस वास्ते थोड़े दसन तो समझ नहीं फर्क आ गया, मतलब कि मैं नहीं कह रहा कि थोड़े उस्ताद ने तुम्हें दस है कि मादी के ना लगाओ कोई फर्क नहीं पता। हो सकता है उन्हें यह सोच रखा हुआ कि मादी कोई ऐसी ना लगाओ जिन्होंने क्रॉस ना करवानी होगी, ठीक है, खुला छड़ के जानवर जिन्ना तैयार करोगे उन्ना तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मादी नाल कोई यहोजी लगानी है जी तैयार नहीं आंडिया दे जाएगी, ठीक, मतलब क्रॉस नहीं करवा, कोई पट्ठी लगा दो, खुला छड़ो उन्हें छड़ो सारा दिन उन्हें फिरे टुरे, वो अच्छा तैयार हो जाए। लेकिन इनका मतलब है नहीं कि तुम आखो भी नहीं मैं मादी भी छड़ा जी बिल्कुल अंडिया तैयार है कि अंडे लवान देो नाल मुर्गे तैयारी लाया खुराक भी दे रहे वहाँ उसे नाल खत्म होती जाएगा, क्योंकि जब मैं जब तैयारी लगा तो मादी क्रॉस भी ज़्यादा करता है। तो इस हवाले ना जाए ना फिर जिम्मे तैयारी खुराक तो फिर डेली बेस अपनी कभी जाए वेस्ट की जाएगा तो वो तैयार नहीं होगा, यह थोड़ी गलत सोच है, ठीक है। इस वास्ते बहुत जरूरी है इनफॉरमेशन जानी है ना सब दोस्तों वास्ते भी, तो यू कह सकते हो कि तुम ना अपने आप ही ना कि पल्ले बन लो गल तो एक तो खुला छड़ के जो जानवर तुम तैयार करोगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जो बंद करके तैयार करोगे जानवर गुडे बंद किया बस टोरा करवाया बंद कर दिया उनके तो खुले छड़े जानवर जमीन आसमान का फर्क होगा फायदा, ठीक है। अगर वो तुम दो पानी या तीन पानी के अगर वह विन होगा तो जो खुला छड़ होगा पहले पानी विन होगा इन्ना फर्क है। इस वास्ते मछर मेरा भी तुम यही है कि खुला छड़ के जानवर तैयार करो, लेकिन इनका हर किसी का मतलब नहीं कि तुम मादिया नाल क्रॉस कराना शुरू करवा दो, ठीक है। मादी नाल कोई ऐसी छड़ो कोई पट्ठी छड़ दो या छोटा जो पट्ठा छड़ दो जिंद पिछे पिछले दौड़े हो, ठीक है, तो क्रॉस ना करे उन्होंने कहना कि जानवर खुला छड़ के बना, ठीक है। तो इस तरह जानवर तैयार करो कि इंशाल्लाह तुम्हें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि थोड़े क्वेश्चन का जरा तुम्हें किया चंकी तरह समझ गया होगा, मजीद अगर फिर भी कुछ समझ ना गलती लगे तो फिर दोबारा तुम मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते जनाब। अल्लाह तुम खुश रखे तो इजाजत दो जनाब, अल्लाह हाफिज़।